मेरठ थाना के सारीगढ़ क्षेत्र में शहर की करौनी में यहाँ पर मलिक बस्ती के रहने वाले गरीब परिवारों को खाने पीने की चीजों में आर्थिक सहायता करने के पहुँचे यहाँ पर समाज सेवी व्यक्ति का नाम जहाँ पर अमजद खान। आपको बता चले कि उन्होंने वेतन से ही गरीबों की सहायता की। अपनी वेतन से गरीबों की सहायता करने पर उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से मुझे गरीबों की सहायता करने में एक अलग ही तरह का आनंद आ रहा है। नमस्कार साथियों, प्राइम ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आज मेरठ की ऐसी एक मलिन बस्ती में आपको दिखाना चाहेंगे जहां लॉकडाउन के चलते आज तक प्रशासन द्वारा या किसी विभाग द्वारा भी कोई खाने पीने के सामान का व्यवस्था नहीं की गई। ये मलिन बस्ती इतनी गरीब है कि काफ़ी जब से लॉकडाउन हुआ जब से ही परेशान है, और कुछ लोग इसमें अपने स्तर से सहायता कर रहे हैं इन गरीब मलिन बस्तियों की, जो काफ़ी सहायता अपने स्तर से अपना सब कुछ निछावर करके सहायता कर। आपको दिखाना चाहिए मलिन बस्ती के ये वो लोग हैं, और इनकी ज़ुबानी हम मालूम करेंगे कि इन्हें कहीं से सहायता मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। आपसे रूबरू कराते हैं। नहीं भाई साहब, मदद नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको किसी ने कोई सहायता अभी तक पहुंचाई है, खाने पीने की व्यवस्था कराई है जब से लॉकडाउन हुआ? नहीं मिला। आपका नाम क्या है ये बताइए। सुमज अली, आप ये बताइए जब से लॉकडाउन हुआ आपको खाने पीने की दिक्कत है, परेशानी है? दिक्कत तो है ही, रास्ता कट बंद है, जाने चलने का मुश्किल है, खाना कहाँ से आएगा। और किसी ने आपको कोई सहायता दी है? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी तक, किसी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, आज जैसे इन व्यक्तियों ने, इन सज्जन ने, हाँ आज तो कुछ मिला था, आज इन्होंने तुम्हें कुछ सामान वितरण किया है, आज कुछ मिला सामान। और इससे पहले कुछ मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक है, और अब आपसे हम रूबरू कराते हैं जो तन मन धन से इस गरीबों के साथ हमेशा खड़े हैं, अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। उनकी ज़ुबानी हम आपसे रूबरू कराते हैं कि उनके गरीबों के लिए क्या हमदर्दी है उनके दिलों में। पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमजद मलिक है, लिसाड रोड कुशालनगर में रहता हूँ मैं। जी, ये जो आपको आप ये सामान वितरण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या भावना है आपकी? जी, ये पहले मैंने 19 तारीख से जागरूकता अभियान चलाया था, जब से कोरोना वायरस का जो है रूप हमारे देश में आया था, तो मैंने 3-4 दिन कोरोना का जो है अभियान चलाया, जागरूकता अभियान। उसके बाद में जब लॉकडाउन हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग चलो भाई कुछ है घर में, राशन खा लेंगे, लेकिन जो रोज़ की मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, बाहर के किराएदार आके रहे हुए हैं, उनका यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई जानकार नहीं है, तो उनका टाइम कैसे पास होगा। इसलिए मैंने जो है ये 21 तारीख से ही शुरू कर दिया था सभी को घर घर सामग्री पहुँचाने का कार्य। लेकिन उसमें मुझे कुछ दिक्कत आई तो मैंने जो है लिसाड़ी गेट के एसओ साहब से बात की, उन्होंने मेरा सहयोग किया, और जो पुलिस प्रशासन है सभी ने सहयोग किया। PRV पे मेरा नंबर ट्रांसफ़र किया गया, कहीं से भी कोई परेशान व्यक्ति कॉल करता है उन्हें तो वो मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉल, लोग उतरवाते हैं, वो मैंने वितरित किए हैं। और मेरे जो है बॉस हैं जिनकी मैं गाड़ी ले रहा हूँ होंडा सिटी, जो उनसे मैंने कहा भाई साहब मेरे बाइक पे दिक्कत हो रही है तो राशन मुझे ज़्यादा ले जाना है, तो उन्होंने अपनी बाइक दी। मोहम्मद अलाउद्दीन सेफी जी हैं, मेरे बॉस हैं, बड़े भाई भी हैं वो, तो भाई यही मुझे सहयोग मिला और किसी का मुझे कोई सहयोग नहीं है।